खबर पीलीभीत जनपद से, जहां ब्लॉक बिसलपुर के ग्राम चुर्रा सकतपुर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तत्वाधार में पैगाम ए अमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रचारक व मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने लोगों से अपील किया कि वो किसी के बहकावे में न आए और देश में शांति बनाए रखे। उन्होंने कहा, पवित्र दिन शुक्रवार को पत्थरबाजी करके उसे अपवित्र न करें। इस्लाम जो अमन की शिक्षा देता है, वो ऐसी घटनाओं से न केवल बदनाम हुआ बल्कि मुसलमान भी शर्मसार हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत व हम एक रहें हम नेक रहें जैसी नीति पर चलने का आह्वान किया। राष्ट्रीय संयोजक इस्लाम अब्बास ने कहा, अब हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमें अशांति और देश की छवि खराब करने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। कार्यक्रम समापन के बाद चुर्रा सकतपुर में दरगाह हजरत हजारा पीर मियां रहमतुल्ला अलैह की मजार पर चादरपोशी की और मुल्क में अमन चैन रखने के लिए लोगों से अपील की। कार्यक्रम में क्षेत्रीय संयोजक इस्लाम खां, प्रांत सह संयोजक मोइन अहमद खां, विभाग संयोजक नईम खां, जिला सह संयोजक व प्रधानपति चुर्रा सकतपुर मोहम्मद साहिद, प्रधान मुसैनी मोहम्मद इश्तियाक कलवी, प्रधान रिशौला मोहम्मद यूनुस, प्रधान शायर अकरम खां, जफर कुरैसी, अदनान खां, हसनैन आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता में मोहम्मद रियाजुद्दीन व संचालन इस्लाम खां व मोइन अहमद खां ने किया। हम एक हैं, मैं कहूंगा एक हिंद, आप सब बोलेंगे जय हिंद। एक हिंद जय हिंद, ज्यादा जोर से नहीं बोलना, पर लाहौर तक ही जानी चाहिए आवाज। एक हिंद जय हिंद, एक हिंद जय हिंद, एक हिंद जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब मैं आपके साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप आए कलावे पार्टी तिलावर से हमारे घर। एक आज शाम को आरएसएस का प्रोग्राम है, बड़ी सभा है, उसमें भी मुझे बोलना है। मैं अभी आपके सामने कुछ बातें तफसील से करूंगा। इस्लाम की रोशनी में भी करूंगा और हिंदुस्तान की रोशनी में भी करूंगा। और कानून कायदे की रोशनी में भी करूंगा। परंतु हम में ऐसा कोई नहीं होगा जो जिंदगी में जन्नत ना चाहता। चाहे किरदार जन्नती है या नहीं है, पर चाहता तो यही है कि जन्नत मिल जाए। कत्ल करने वाला भी सोचता है जन्नत मिली जाए तो अच्छा है, पर नसीब होगी कि नहीं होगी मालूम नहीं। और मजहब इस्लाम में और हिंदुस्तानी तहजीब में जन्नत की एक रास्ता मालिक ने बताया है, और वो रास्ता है माँ के कदमों में जन्नत है। अब माँ तो ना अरबी शब्द है, ना फारसी है, ना उर्दू है, ना तुर्की जुबान का शब्द है। माँ तो हिंदुस्तानी जुबान का शब्द है।